की तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं? त्रिमूर्ति सेगमेंट में आज क्या है खास, ये जान लेते हैं। और हर रोज की तरह हमारे साथ शरद जुड़े हैं त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि जो गिरीश कौसगी हैं उनको एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। ये एक्स एमडी सीईओ कैनफिन होम्स के थे और इनकी इम्पॉर्टेंट सीनियर लीडरशिप रोल्स आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टाटा कैपिटल जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस में ये रह चुके हैं। और इसके अलावा इनका 25 साल का तजुर्बा है आपके रिटेल लेंडिंग में और मॉर्गेज बिजनेस में लेके। दूसरा स्टॉक जो है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डिंग अपडेट्स जो सितंबर मंथ में आए और कौन से बड़े निवेशक वेटरन्स घुसे हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले है संगम इंडिया स्मॉल कैप स्टॉक है, जहां पे मधुसूदन केला ने जो है 1.11% स्टेक उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आई है, नई एंट्री है। नई एंट्री के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल ने भी जो है उनका स्टेक ऑलमोस्ट 2.7% आ रहा है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स में। इसके अलावा डीलिंक में आशीष कस्टोलिया जी का लगभग स्टेक है 3.34%, पहली बार दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और इसके अलावा आशीष कस्टोलिया जी ने जो स्टेक भी बढ़ाए दो कंपनी में, एक है एसजीएस एंटरप्राइजेज और दूसरा है ग्रेविटा इंडिया। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेगा, डिफेंस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहने वाला है। और कल अहम कमेंट्री आई थी कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने जो कहा है कि लगभग लोकल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो है 8 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आ सकते हैं अगले 8 साल में। इसके अलावा जो डिफेंस एक्सपो चल रही है उसमें अपडेट में मजगांव डॉक ने जो है 24 नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किए हैं। और दूसरे कंपनी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी एक एमओयू साइन किया डायनामेटिक टेक से, जहां पे वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करने वाले हैं तेजस एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब, थैंक्स फॉर दैट शरद। कुछ ऐसे स्टॉक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। वैशाली, पीएनबी हाउसिंग आज फायदे में रहेगा, कल इनफैक्ट ऑलरेडी 5% ऊपर था पीएनबी हाउसिंग। गिरीश कौसगी जो कैनफिन होम्स के एमडी सीईओ थे, अभी अभी उन्होंने रिजाइन किया, वो नए एमडी सीईओ बन के आ रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी से दूसरी लिस्टेड कंपनी। कैनफिन होम्स ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वैल्यू क्रिएटर रह चुका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कमी है। उन्होंने भी कल शाम को ये बयान दिया कि एक नए एमडी सीईओ की तलाश जारी है और जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। ये दोनों चार्ट देख के बताइए, कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग किस लेवल्स। कैनफिन होम्स काफ़ी रिबाउंड किया है 465 से 525 तक, बट कहाँ जा सकते हैं दोनों स्टॉक्स आपके हिसाब से? तो पहले पीएनबी हाउसिंग की बात करें, ऑफ कोर्स चार्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वॉल्यूम भी अच्छे से बढ़ रहे हैं, बट चल चुका है। सो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ली है, वेट करें, 450 का एक रेजिस्टेंस आएगा। एक बार वो सस्टेन करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, देन अपर ट्रेजेक्ट्री कम्स टू 524। सो आई थिंक व्यू बुलिश रहेगा, बाय ऑन डिप्स and wait for higher targets. और दूसरा आप बोल रहे हैं कैनफिन होम, कैनफिन होम भी रिवर्सल काफी दिनों से ट्रेड दे चुका है, बट थोड़ा वेट करें, सॉरी, न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी 480। हम वापस आते हैं आपके पास, लग रहा है काफी बिजी हैं आज, अब बहुत फोन कॉल्स आजकल लेके गला खराब हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन मैं पीएनबी हाउसिंग पे जरूर एक बार अजय चार्ट जरूर दिखाऊंगा। जो विशाली पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग है, इसलिए तो पंजाब नेशनल से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है वो जो विशाली भी आपको बता रही थी। एक मिनट के लिए जरा स्क्रीन को शेयर कीजिए, उसके अंदर आपको देखिएगा 450 ना आज गैप के साथ ना पार करते, अगर ये हो गया ना तो ये बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। आप देखिए पुराना रेजिस्टेंस है और ये 450 की इंपॉर्टेंस जो आपको विशाली बता रही है। एक और चीज जो विशाली ने नोटिस करवाई है वो मैंने नहीं देखी थी, एकदम से उन्होंने दिखाया, वो है वॉल्यूम। आप ये देखिए वॉल्यूम, इससे पहले कहीं आपको कुछ दिख रहा है क्या? इससे पहले कहीं आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये देखिए खाली पड़ा हुआ बाजार को तो मालूम होता है कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ क्या खिचड़ी पक रही है तो बाजार को, बाजार हमेशा हम सबसे स्मार्ट है, हो सकता है इसमें प्रीएम्प्टिव बाइंग हो गई हो। एब्सोल्युटली, तो चलिए 450 के अहम स्तर हैं जिस पर नजर रखनी होगी, लेकिन इसी के साथ डिफेंस स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार फोकस में, और डिफेंस एक्सपो के साथ